जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेजर हटके में। मैंने आज केले के छिलके की चटनी बनाया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। मतलब जो चीज़ हम लोग फेंक देते हैं उसका मैंने चटनी बनाया है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। इसके लिए क्या करना होगा, अंत तक वीडियो देखिए तभी पता चलेगा मैंने इसको कैसे बनाया। तो आप लोग अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। केले के छिलके के चटनी के लिए हम क्या करेंगे, केले के छिलके लेंगे। केले के छिलके आप कैसे भी ले सकते हैं, जैसे आप सब्जी बना रहे हैं तो उसको लेके उबाल लीजिए, या उबाल के सब्जी बना रहे हैं तो ऐसे छिलके ले लीजिए, उसके निकाल लीजिए, सब्जी अलग बना लीजिए, छिलके ऐसे निकाल लीजिए। मतलब हम लोग वेस्टेज चीज़ का ही चटनी बनाएंगे। हाँ, मैंने 6 केले के छिलके को ले लिया है, देखिए उबाल के निकाल लिया है। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है इसके लिए, देखिए मिर्ची और ये मूँगफली और लहसुन को मैंने ऐसे ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसकी जगह पे, मूंगफली की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, सफ़ेद तिल या ब्लैक तिल कुछ भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैं ये क्या करूँगी, लहसुन के छिलके निकाल दूँगी, लेकिन मूंगफली के नहीं निकालूँगी क्योंकि अच्छा लगता है। तो लहसुन के छिलके निकाल के और ये केले के छिलके के साथ मैं ये पेस्ट बना लूँगी बढ़िया से, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। लहसुन के छिलके ज़रूर निकालिएगा। काट लिया है लहसुन का छिलका, निकाल लिया है, इसे क्लीन कर लिया। अभी इसका मैं बारीक पेस्ट बनाऊंगी। इसमें ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालिएगा, एक एक चम्मच करके, ज़्यादा पतला नहीं, हल्का सा थीक ही रहता है, तो इसलिए जितना कम से कम पानी हो सके यूज कीजिए और इसका चटनी बनाइए। मैं इसको पीस करके दिखा रही हूं। यहाँ पे बारीक सा पेस्ट बना लिया है, इसमें मैंने टोटल 5 टेबल स्पून पानी का यूज किया है। अभी मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार। मैं यहाँ पे 2 स्पून, छोटा स्पून है, एंड अनदर हाफ स्पून मैं ले रही हूँ। इसको बढ़िया से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें तड़का लगा कर दिखाती हूँ। मैंने तड़का पैन यहाँ पे लिया है, मैं यहाँ पे 2 स्पून यहाँ पे ऑयल डालूँगी, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं आप। मैंने कुकिंग ऑयल डाला, ये गरम हुआ। यहाँ मैं क्या करूँगी, मस्टर्ड सीड हाफ स्पून मैंने लिया है, इसको डालूँगी, ये चटकेगा। मैं इसमें हींग डालूँगी, 1/4 चम्मच मैंने हींग लिया है, इसको मैंने डाला यहाँ पे। अभी यहाँ पे करी पत्ते डाला और 2 मिर्ची मैंने लिया है, इसको से तोड़ लिया है, इसको मैंने डाला, ये चटका। ये बढ़िया से चटका इसको ऐसे हिला दूंगी और ऐसे मैंने चटनी को डाला। देखिए कितना सुंदर, मतलब क्या बताऊँ आपको, कितना सुंदर इसका टेस्ट और फ्लेवर आया है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब हम लोग एस्टेज चीज़ से इतना टेस्टी चटनी बनाए हैं, बहुत ही यम्मी। देखिए मैं इसको मिक्स करूँगी। अभी मैंने मिक्स कर लिया है बढ़िया से, अभी मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना स्पेशल है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है ये, आपको भी पसंद आएगा। देखिए मस्त, सर्व करने के लिए रेडी है, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप भी ट्राई कीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ एक और नए टेस्ट के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बाय।